कैप्टन सरकार अपने समय की सबसे फेल सरकार साबित हुई है। ऐसी सरकार ना तो कभी पहले बनी है और ना ही आगे से बनेगी। इसने बीते एक वर्ष के दौरान कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे किसी वर्ग को लाभ हो। उक्त बात राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पत्रकारों से विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को अस्तित्व में आए हुए पूरा एक वर्ष बीत चुका है, लेकिन इस दौरान सरकार ने ऐसे कार्य किए हैं जो इसे नहीं करने चाहिए थे। जो कार्य इसके करने लायक थे वह तो इसने किए नहीं। चुनाव से पहले कैप्टन ने वायदा किया था कि हर घर में नौकरी देगा, लेकिन अभी तक एक भी युवक को नौकरी नहीं दे पाया है, जबकि प्राइवेट काम देकर लोगों को मात्र गुमराह किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को सुविधाएं देने की बजाय बिजली के दाम बढ़ाकर लोगों पर बोझ डाला जा रहा है। किसानों का कर्ज तक माफ नहीं किया, वह भी अधर में ही लटक रहा है। ना ही किसी को फोन दिए गए हैं, हर तरह के विकास कार्य तक ठप हो चुके हैं, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पंजाब में कांग्रेस जैसी नेगेटिव सरकार पहले कभी नहीं बनी है, जो लोगों की भलाई के संबंध में सोच ही नहीं सकती। ते अजे होया था नहीं, जो हो गया ठीक है। जेड़ा वादा कीता कोई भी एक भी पूरा नहीं कीता, सब नेगेटिव काम जेड़े नहीं करने से कीते, डेवलपमेंट बंद हो गई। कहते सर असी सारे बच्चों नूं घर घर से नौकरी देंगे, एक नूं देती। फिर भी बिजली के रेट वध गए, किसानों का कर्जा सी वो कुछ नहीं किया। इस तरह की नैगेटिव सरकार ना कदे पंजाब चाहिए ते ना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें।